सबको बता दें यहाँ पे फूड पड़ा है, ऐसा ना हो कि बेचारे नहीं, हम लोग बताएं। या, या, वो भी है ना, स्नैक्स भी है ना सना, वो भी है ना, टेबल साइड चेयर्स ये सारे वो होंगे। कैसे बड़े होटल ते कम कीते आज वो तुम? ये लोग गुड। एक ये है और एक ये ग्रे वाला, तो आपने पहले पहना हुआ। ये एक मरता मैंने। अच्छा हम तो यकीन कर देगा, फुर रखे ना पिंक वाले। वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं, हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा जारी है। ये मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं इसमें सारे, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, बनाना, थोड़े एवरीडे मैं चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। ये चिया सीड मैंने भिगो के रखे हुए थे, आधे जैद को जाएंगे आधे मुझे जाएंगे। तो कहने वैसे मैंने तो पहले अद्धे तो काट ही दे दी। क्यों आपने? मेरी खुराक काट गई। चिया सीड देखते ही जाती है, खुराक कट जाती है। अभी यहाँ पे बनाऊ पराठा, फिर देखो कहना है दो दे रहे, एक की जगह दो दे। और इसमें आज मैं शामिल कर रही हूँ वो आपका आज अच्छा लगेगा, कोकोनट क्रीम, कोकोनट मिल्क भी लाई हूँ, बादाम का दूध तो डालेंगे। ये हैम सीड, ये हैम हार्ट्स हैं जो इसमें कहते हैं प्रोटीन बहुत होता है, तो डाल देने इसका। मुझे पूछे नहीं कि इसके फायदे क्या हैं तो नुकसान, इसमें ये मुझे पता है कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो स्लो बोलन नहीं है या कि मेरे कान आज मेरे कान को सुनाई नहीं दे रहा? मेरी सुबह सुबह वैसे भी आवाज सुबह सब कम निकलती है। ये भी सुबह सुबह मेरी आवाज कम ही निकलती है। और मैं क्या लेके, बस यही एक टाइम होता है जब मेरा जरा टाइम सुकून ना गुजरता, वरना तो सवेर तो लेकर रात हुई तेरी ये चीखा ही सुनो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यल यल यल। चंगा सवेर के टाइम तो पूरा रहनी है ना खामोश। आज का दिन क्या होगा? आज का दिन इंशाल्लाह ताला हमारा फर्नीचर आने वाला। हाँ, आज हुआ ना फर्नीचर। आज फर्नीचर आने वाला है तो फन फन डे, क्योंकि संभली होगी। खैर संभल उसे अपने करना है, और उसने कहना है, उसने कहा कि मामा मैं ऑफिस के काम करके उसके बाद संभल करूंगा, शाम को रात को करेंगे। तो देखिए कब होता है संभल। तो आज का दिन आप गुजारे हमारे साथ। अनार मैं भूल गई थी इसमें डालना, तो मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूं। अनार भी इसमें डाल दिए, जो भी घर में फ्रूट फ्रूट तो अभी बहुत पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि इतना ही बहुत है। आज मैंने इसमें गावा वगैरह कुछ नहीं डाला, हनी भी नहीं डाला। जरूर ही नहीं, मीठा रोज ही डालो। फ्रूट का ही बोल है समझ ले, फ्रूट्स ही है सारे इसमें। कल मैं ओटमील वाला बनाऊंगी, एवरीडे मैं डिफरेंट बना लेती हूँ, किसी में ओटमील डाल ले, किसी में आप कुछ भी डाले। आधे क्यों, पूरे क्यों नहीं पाए? आधे नहीं, आधे मैंने नहीं, आधे अगर आधे जितने खाने खा ले, जहर आएगी खाने। चले आज है दावत की तैयारियाँ, जहर लगे हुए वहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ये देखे सारा सफाई करनी, क्योंकि ये झाड़े हुए एक अरसा हो गया इसको, जब से मैं आई हूँ जब से इसको झाड़ा नहीं टेबल को, इसको झाड़ पोंछ करेंगे, सफाइयाँ करेंगे। मेरी हेल्प भी आई हुई है आज, तो उसके साथ लग के सारा कुछ ये काम करेंगे आज। ऊपर वो सफाइयाँ कर रही हैं, नीचे मैंने शुरू कर दी हैं, सब चीज़ें हटेंगी ताकि टेबल क्लॉथ को झाड़ा जाए। लग रहा है ये थोड़ा कैमरा टेढ़ा है, इसको जा रही हूँ झाड़ने पूरे बाहर, ताकि अंदर मिट्टी धूल ना उड़े। बाहर झाड़ के फिर मैं वापस आ, कोई धूल मिट्टी रह गई हो तो वो भी लगते हाथ ही साफ हो जाए। अच्छा जी, ये हो गई सफाई पूरी, मैं करके फिर वापस आऊँगी। अपने चलिए खूबसूरत सी, ये यहाँ पे बहुत महंगी मुझे मिली थी, मैंने एक दफ़ा सोचा भी था कि पाकिस्तान से लेके आऊँगी, और टाइम ही नहीं मिला इस दफ़ा बीमारियों में, टाइम ही नहीं मिल गया। ये दावते जब होती हैं ना घर में तो लगता है कि बहुत आसानी से होगी, लेकिन ये तीन दिन से काम घर में चल रहे हैं और घर के सिमटने में नहीं आ रहा। और मैं, जैद और मेरी हेल्प लाइबा भी कल आ गई थी रात को वापस न्यूयॉर्क से, वो उजैर सभी हेल्प कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं खत्म हो रहा। और सना भी, सना उसामा अपनी जगह से जो कर सकते हैं, सना उजैर मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाती है या बताती रहती है आंटी यूँ नहीं कर रहे, इसको यूँ रख लें, ये कर लें, वो कर लें। तो बस देखेंगे हमारी ये सेटिंग आज पूरी होती है कि नहीं होती, और फिर सना को पसंद आती है कि नहीं आती। बस अब ये मैं इसकी डेकोरेशन इस पर रख दूँगी वापस, ये जाएगी मेरी सेंटर में यहाँ पे। और ये चरण, Why are you doing that? Okay, यहाँ पे यूँ गया और पूरा ऐसे गया ये वाला, सो ऑलरेडी खूबसूरत सा नज़र आने लग गया। देखे आप डाइनिंग रूम, और ये सेंटर में जाएंगे कैंडल्स। इस दफ़ा तो मैंने सारा से कहा कैंडल जला दो भाई, इनको रखा क्यों हुआ है, इनको बर्न करो,
फायदा क्या इनका अगर इनको जलाया नहीं तो। सो देखे कितना खूबसूरत सा ये सेटअप हो गया हमारा। बस अब प्लेट्स वगैरह लगेंगी, झाड़ पोंछ होगी, झाड़ू पोंछे का काम मेरा नहीं है, वो करके उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ की सेटिंग। और जैद हमारे अभी आ गया डिलीवरी वालों का फ़ोन, फर्नीचर आना शुरू हो गया, आना शुरू नहीं हो गया, होने वाला है। और एटलीस्ट वो यहीं पे भी रख देंगे तो हम डब्बे काट काट के यहाँ पे अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ भी रखा दूंगा, यहाँ भी मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया। तो ये पूरा इंतजाम हो गया। कार हटा दी है सिर्फ, कार हटा दें आप वहाँ से ड्राइवर से। ये दूसरा डोर भी खोल के अभी चेक कर लें। नहीं वो तो खुलता है, हमें पता है खुल जाता है, वो तो खुल जाएगा। ओके फाइनल फर्नीचर, ये बड़ा सोफा होगा मुझे लग रहा है, और ये सारे सेंटर टेबल, साइड चेयर्स, ये सारे वो होंगे। लगता तो यही है कि उम्मीद है कि ये सारा पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद जैद ने करनी है इनकी, जैद ने नहीं आज उज़ैर ने करना है इसका। तो उज़ैर आपको दिखा नहीं सकूंगी क्योंकि उज़ैर व्लॉग में नहीं आता, तो ये सारा उज़ैर की जॉब है असेंबल करना। और जैद लगे हुए अपना मिरर बनाने के लिए। मुझे क्या बताओ, सफाई शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चाय बना लूँ, चाय पिए। जैद आप चाय रखे, मैं ऊपर से सायरा से भी पूछूं अगर उन्होंने चाय पी ली। चाय रख रहे हैं आप के लिए? रख रहे हैं जाए, जाए से रखे तो चाय नहीं पीने। नहीं बस दो ही कप, मैं बना छोटे कप, ये बना लो बस। चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन ही यार, टेटली है, टेटली। लॉन लोक मेरा चला गंदे को क्योंकि अभी सफाई होगी इसकी। और इसमें डालेंगे दो टी बैग्स, दो तीन इलायचियाँ। मेरा स्पाइसेस का ड्रॉअर भी पूरा मैसअप हो रहा है, जब से मैं नहीं थी तो सफाई नहीं की है, अब आज इसको करेंगे। ये लिए हमने इलायचियाँ इसमें से, और चाय में डालने के लिए। कभी कभी मूड होता है मेरा कि इलायची मार के चाय बनाओ, इलायची मार के इसको थोड़ा सा क्रैक कर लें। एक दो तीन चार, एक हाथ से पकड़नी है, मैं ट्रे भी निकालना नहीं चाह रही, इतना काम है, मैं चाह रही हूँ एक ही हाथ से। जैद आ जाए, ऐसे कोई चाय वाला भी आपको चाय नहीं ला के देता होगा जैसे मैंने चाय लाई। आ जाए आ जाए, आपको बिस्किट भी मिलेंगे खाने के लिए आज सुबह से। जैद मैंने कहा आ जाए, बहुत काम किया आज, बिस्किट भी मिलेंगे खाने के लिए, नमक पारे भी मिलेंगे, बिस्किट भी मिलेंगे खाने के लिए। आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये दिन जो तैयारी का, नमाजों के साथ, नफलों के साथ शुरू। माशाल्लाह आप सब दुआओं में याद रखें हम सबको, आप सब हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे हर काम में आज और हमेशा इंशाल्लाह। जैद आपके लिए मैं कपड़े निकाल के लाई, फर्स्ट चॉइस ये है, इस ऑफ वाइट है, इस पे एम्ब्रॉयडरी है, और इस पे वाइट सलवार है, फर्स्ट चॉइस अच्छा। आपके लिए। और दूसरी ये है ऑफ वाइट, इस पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और ये मेरे पास दोनों ही जेजुलेट के, मैं वो दूसरे वाला ज्यादा सही लगेगा मुझे। ये है, इस पे भी वही एम्ब्रॉयडरी है, ये तारिक जमील का है। हाँ ये वो कलर वैसे भी ज्यादा थोड़ा ये वाला अच्छा ठीक है। इसके ऊपर मैं सोचती हूँ वेस्ट कोट पहन लें, वेस्ट कोट तो मैं पहन लूंगा कोई भी, चलो कोई भी पहन, कोई भी एक वो मैच कर जाएगा। और एक मिनट एक और भी खाने क्यों दिखाया, आप बोलते जाए ना, वैसे तो आप बोतरिया बहुत चलती। एक ये है और एक ये ग्रे वाला, तो आपने पहले पहना हुआ ये, एक बार तो मैंने पहनी थी, तो इन दोनों में से देख लेना आपने जो भी पहना। चलो ठीक है, ठीक ठीक, तो आपकी ये चॉइस होगी। अब मैंने कौन से कपड़े पहने, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं। हजे तेरे को कपड़े ही नहीं, किया आपने? नहीं नहीं मैं तो उसको भी आपने फोन ही नहीं, नहीं मैं थोड़ा सा वो वाइड एंगल किया उसका। अच्छा मेरे को तो कपड़े ही नहीं, हम की करें हैं, कपड़े ही नहीं। आज तो खुदा खौफ करे इन्ने तू जोड़े खरीदे हजे तेरे को कपड़े है नहीं, ये हम तो आप खुद डिसाइड कर की पड़ो या लाइबा वाले नु पूछ बस। लास्ट मोमेंट पे ग्रोसरी का टाइम, ग्रोसरी का काम कभी भी ना रखे। मैंने एक्चुअली सोचा भी था कि कल जाऊंगी कॉस्को से अपने फ्रूट्स और वो क्या कहते हैं सैलड्स वगैरह ले आऊंगी, लेकिन वो कल जो बस काम में लगे फर्नीचर सेट करने में तो ध्यान ही नहीं। अच्छा मैंने कुछ ली जाके वहाँ से फ्रूट प्लेटर, वैसे बने हुए भी मिलते हैं, अगर वो मिल गया तो वो ले लूंगी, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 11 बज गया, अभी मुझे टेबल सेट करनी है और स्टोव खराब हो चुका है, और जो एपेटाइजर मेरे घर पे बनाने थे उनको बेक करना था, अब वो भी नहीं हो सकते, तो अब हमने फूड को लेट कर दिया कि लेट आए ताकि उसी वक्त गर्म आए, गर्म सर्व कर देंगे। तो अब मैं स्नैक्स के लिए चीज़ें लेने जा रही हूँ, होपफुली मुझे मिल जाएंगे कहीं से कुछ ना कुछ, तो बस अब चले मेरे साथ और स्नैक्स पिकअप करें।
मछलियों की जगह मैं भी कुछ इंसान लगने लग जाऊँ कि नहीं जाए। अच्छा इंसान नहीं लगती, तो बस चले आप मेरे साथ कुथली पिकअप करने के लिए सैलड्स और क्या कहते हैं फ्रूट्स। सबसे पहले तो ये सीजर ले लेना, या सीजर तो आम चलता है ना, ये ले लें। सीजर तो बेस्ट रहता है हर चीज़ के लिए। और नहीं नहीं दो क्या, और ये टुब ये हैं ये मुझे पसंद नहीं है। नहीं नहीं दो नहीं चाहिए सर, फिर वो संभालना मुश्किल हो जाए। और इसके और ये श्रिम्प्स का है, फ्रूट देखती हूँ एक मिनट। ये श्रिम्प्स का क्या है सर, मैं चश्मा लगाऊँ ये पढ़े इसके ऊपर क्या है, श्रिम्प का सैलड है क्या लिखा है इसके ऊपर। और इसकी प्राइस देखें $14, इमेजिन क्या महंगाई का ज़माना आ गया। नहीं महंगी स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरी चले से $8 की है और ब्लूबेरी भी $10 की है। आग लग गई है हर जगह। फ्रेश फ्लावर्स तो बहुत, जो अच्छा लगे ले लो। मुझे ख्याल खूब छोड़ो बस, उसमें जल्दी बस फैसला जल्दी करो बस, टाइम कम है मुकाबला सख्त। पिंक 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 थीम इनका ज़्यादा है, ये पिंक हो गया, एक दूसरा कोई और ले लो। दो दो तुम्हारे जैसे वो गमले शमले वास जो ले ना, उन्होंने वास है वैसा की है, उन्हें पा ले, दो ले लो। हाँ बस सही ठीक, ना ना करते हुए भी इतना कुछ ले हो जाता है, ये ले लो वो ले लो फलाना ले लो खाना ले लो, टाइम कम है वक्त कम है मुकाबला सब। स्टाफ हमारा फ्रूट्स प्लेटर नहीं मिल रहा है आज, और वैसे रुले फिरते हैं जगह जगह पे, तो कॉस्को पे भी नहीं थे, मेरी हिम्मत नहीं है बनाने की, काटने की हिम्मत क्या मतलब टाइम कम है स्टाफ, तो ये यहाँ से उम्मीद है कि मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कॉस्को में $14 के थे वो, क्यों थे वो, बड़ा था इससे पैक, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे पैक, लेकिन खैर अभी तो ये हाँ फिर यही ले लेंगे बाद में, ये फिलहाल तो फ्रूट प्लेटर्स ढूंढ रहे हैं। अरे ये देखें, ये रहे ये देखें, ये देखें कटे हुए इस तरह के दिए, और हाँ ये देखें ये ले लें, हाँ दो ले लें, बस डिशेज अपनी में डालने होंगे, डालना होंगे तो दो ले लें, एक की बजाय दो ले लें। डिफरेंट नहीं है, अगर एक डिफरेंट हो जाए एक डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट नहीं है सारे सेम ही है। नहीं लड़ाई तो नहीं होती, उनका डिफरेंट आजकल जैसे वाटरमेलन का है वो। चले और देखते हैं इधर, उस तरफ ही होगा कुछ ना कुछ। अच्छा यहाँ पे सैलड्स भी हैं, सैलड्स भी हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये देखें डिफरेंट तरह के आप सैलड्स भी ले सकते हैं, एग बॉयल एवरीथिंग। हाँ ये डब्बे वाले ये रहे, एक ये ले लो एक है ना, ये वाला लॉन्ग है लेना। नहीं बस और तो कुछ नहीं लेना, बस यही लेना, एक लेने दो लेने। नहीं नहीं एक, क्योंकि सैलड मैंने दूसरे भी ले लिए ना। चल करें कितने के होंगे ये फ्रूट्स, गैस करें कितने के होंगे ये फ्रूट्स। यानी 28 28 20 तीनों को लगा लो 30 30, ये 80 85। हाँ सही कहा, यू आर राइट। मैंने कहा देखूं आपका गैस कैसा लगता है, सही है कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने सारा करीब करीब करके दिखा, ये सारा मैंने पूरे टेबल्स पे अरेंज कर दिया है सारा, और बारी बारी जाके मैंने ये सारी टेबल्स पे ये सारे लगा देने नैपकिन और ये सब कुछ। कैसे बड़े होटल ते काम किया है आसपास तुम? सेटअप करने वाली भी माशाल्लाह अच्छी। चलिए जी
अब फूलों का टाइम, फूलों का बारिश, फूलों की बारिश, फूलों का टाइम इसमें आने बस इनका ये मसाला ये पूरा खोलना होता है? ये खोलना होता पूरा? हाँ, हाँ, पूरा खोलूंगी क्योंकि ये गिफ्ट थोड़ी, ये तो घर का ही है। असो हम तू यकीन कर देगा फुल रखे ना जड़े पिंक आए ये तेरा मुंह आ पिंक और सारे एक जैसे मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गया जितना मेकअप दी जुबान च नहीं कहते तुसी तिने चारों ब्लेंड हो गए। थैंक यू फॉर कंपनी में। ओ मैं कोई नहीं कभी कभी झूठ भी बोल देना, खुश कर देना चाहिए बेगम। सो ये आपने पहले मसाला इसमें डाला और फिर उसके बाद पानी डालते हैं इसमें, इतना पानी डालें कि आपके ये जो एक एक इंच काटने हैं मुझे नीचे से। अच्छा। और फिर इसके अंदर शामिल। अच्छा वो पेपर है खाली, गिरी न जाए तुम्हारे कैंची से सीधे वैसे काट लेने। हाँ हाँ वैसे अंदाजे से एक एक इंच मैंने काट देना उनको क्योंकि इन्होंने ना नीचे वैक्स वगैरह कुछ लगाई होती है। मैं काट दूं? नहीं नहीं इतना हार्ड नहीं है, हार्ड ही है यार। फाइनली जैद ने हेल्प की क्योंकि मैं टेंशन मुझे बिला वजह की है, बिला वजह की टेंशन में जल्दी जल्दी काट रहे हैं। एंगल पे काटने हैं ना एक्चुअली, एंगल पे काट रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे तो कहा कि एंगल पे काटो, बात ज्यादा छोटे नहीं कर देना मेरा आवाज ही खराब हो जाना। जितने तुम रखे oh my God, आप ही उछाल रहे हैं जैसे मैं उछाल रही थी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त है। अच्छा बस अब वो दूसरा भी मैं इसमें डाल दूंगी, दूसरे वाले। अच्छा दूसरे में बस एक दिखा दिया, दूसरा वो कटिंग। अच्छा मैं खूबसूरत, मैं फुल्ला नु बुके नु खूबसूरत कह रहे हैं? अच्छा मुझे नहीं कह रहे, तू क्या आप समझ रही, तेनू कह रहे हैं? मैं समझी, मुझे कह रहे नहीं, मैं पिंक थी मैं पूरे घर की आज, सो पिंकी पर्पल पिंक सारे मिक्स मिक्स पर्पल पिंक सारे हैं टाइप के, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं अपने फैंसी ग्लासेस कैसे भूल सकती हूँ लगाने के लिए ड्रिंक्स के लिए, तो वो इतनी मुश्किल से मैंने धो के लपेटे थे इन्हें दोबारा, लेकिन जाहिर है जब आपने टेबल सेटअप की है तो आपने ये तो लाजमी रखने हैं, इतनी मुश्किल होता है इनको। मैं इतना बचा बचा के खुद धोती हूँ, मैं किसी को धोने नहीं देती हूँ, इतने वो नाजुक हैं, इतने ज्यादा नाजुक हैं कि मुझे डर लगता है कि कोई क्रैक करेगा, मुझसे टूटे खैर है किसी और से ना टूटे। अच्छा माशाल्लाह, गुड थिंकिंग तो बस ये मेरे का, मैं ये भी आपको दिखा दूं पूरा एडिशन मेरा सेटअप का। लास्ट चाय बिफोर दावत स्टार्ट्स होंगे पूरे को, ज्यादा नहीं भरने, टू मच कैफीन देन। सो ये रोल्स, लुक एट मी, आई गॉट रेडी, लुक गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपन का मैचिंग मैचिंग हो गया ना दोनों का। अच्छा वो मैचिंग भी हो गया, ऑलमोस्ट मैचिंग मैचिंग हो गया। नमाज भी पढ़ लो। हाँ आप नमाज पढ़ लो, मैं तो पढ़ चुकी हूँ एक्चुअली। पहले मैं सोच रही थी ये वाला भी मैचिंग है पर वो ज्यादा मैचिंग है मेरा। या यू लुक गुड माशाल्लाह, यू लुक गुड। जस्ट कट दिस क्योंकि इतनी मोहब्बत से वो लेकर आई है तो इनको लगाना तो चाहिए ना, ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगी। एक्चुअली वो लाइबा मुझे कह भी रही थी आप फ्लावर ना लाएं क्योंकि कोई ना कोई लेके आएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फ्लावर्स को संभालना। पर जाहिर है मैं कैसे रह सकती हूँ विदाउट फ्लावर्स के, मैंने कहा ऐसा ना हो कोई ना लाए तो फिर क्या होगा। यू आर सो प्रिटी, देखे पिंक, सबको पता था लाइबा ने पिंक थीम रखी है दावत की तो पिंक ही है फ्लावर्स भी। और ये देखें वास्तव संभाल के रखे होते हैं ना गमले शमले तो काम आ जाते हैं इससे। सबको बता दें यहाँ पे फूट पड़ा है, ऐसा ना हो कि बेचारे नहीं, हम लोग बता देना सबको, ऐसा ना हो कि फिर रह जाए कुछ यहाँ पे। या होपफुली क्योंकि हमने गैस ही की करके डिफरेंट मंगवाया, वो दो तीन जगह से मंगवाया एक्चुअली फूड। Delicious. Hopefully everybody loved it. We want a little bit different, no? सही खा खा के. So guests खा के क्या आएगा? और क्या बेटा उसमें बैग में क्या? हाँ. बड़े डिशेस चाहिए? This one looks the same.
ओके इसमें क्या है, इसमें सैलेड है, खाली सैलेड है इसमें, उसको तो ऐसे काट के रख सकते हैं, सैलेड तो उधर भी बहुत है। ये मुझे दे दो सना, इनको मैं रीयूज कर सकते हैं फूड पैक करने के लिए। या एवरीबॉडी इज हंग्री, या या वो भी है ना, स्नैक्स भी है ना सना, वो भी है ना, वो भी है ना। या नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, नो नो हो जाएगा।